हेलो फ्रेंड, देखिए गेहूं के आटा से कितना मज़ेदार रेसिपी बना हुआ है फ्रेंड। और बस एक उबला आलू और एक कप गेहूं के आटा से बनेगा ये नाश्ता घर में रखी हुई सामानों से। तो फ्रेंड बनाना बहुत इजी है। और चलिए आलू को अच्छे से मसल लेते हैं। तो आलू को मैं मसल ली हूँ फ्रेंड, और यहाँ पर एक हरी मिर्च बारीकी काट कर दी हूँ फ्रेंड, और थोड़ी सी धनिया पत्ता और एक छोटा साइज का प्याज काट कर दी हूँ फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाट मसाला दी हूँ फ्रेंड, और थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं फ्रेंड मिक्स गरम मसाला दी हूँ फ्रेंड, घर में बनाया हुआ है, और स्वाद अनुसार नमक फ्रेंड। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। सभी के घरों में ये चीज़ें मौजूद रहती है। और यहाँ पर एक कप मैं गेहूँ का आटा ली हूँ, और इसमें एक चम्मच मैं जीरा दी हूँ, और एक चम्मच कूटी लाल मिर्च दी हूँ फ्रेंड, और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड। और गेहूँ का आटा का नाश्ता फ्रेंड, तो इसको तो कहना ही नहीं है ये कितना हेल्दीदायक है शरीर के लिए, ख़ास करके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। बनाना बहुत ईजी है, कोई तामझाम नहीं है बनाने में। बस फ्रेंड आटे को मख लेना है, रोटी के आटा से थोड़ा सा कड़ा रखना है इसको, और थोड़ा थोड़ा पानी देकर मखिएगा, ज़्यादा एक बार मत दीजिएगा। और चलिए आटा मखा गया है, तो इसको गोल गोल पेड़ा बना लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए बस हथेली पे ऐसे पेड़ा बना लेना है, कोई मेहनत नहीं है, कोई तामझाम नहीं है फ्रेंड। तो देखिए ऐसे ही पेड़ा बना लेना है। और वीडियो फ्रेंड उम्मीद करूँगी कि आप लोग को ज़रूर ही अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए बच्चों को टिफिन में के लिए बहुत झटपट बन जाने वाले और यूनिक नाश्ता है फ्रेंड। बच्चे अगर ऐसे टिफिन में लेकर जाएंगे तो बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो इसको हम लोग चलिए रोटी बेल लेते हैं। तो अगर ये रोटी आप ऐसे ना बेल पाए तो यहाँ पर सूखी आटा लगा लीजिएगा। सूखी आटा लगा कर इसको पतला बेलिएगा फ्रेंड, मोटा नहीं। तो देखिए फ्रेंड मैं कितना पतला बेली हूँ, रोटी से थोड़ा पतला मैं कर दी हूँ फ्रेंड। तो बस इसी, आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी साइज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैं इतना बड़ा रखी हूँ, और जो आलू के मसाला बनाकर रखी हूँ वो इस पर लगा दूँगी फ्रेंड। बहुत अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए लगाना है फ्रेंड, ख्याल रखिएगा। बहुत चटपटा ये नाश्ता है फ्रेंड, और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएंगे। या घर में आए हुए मेहमान को आप सर्व कीजिए ऐसे नाश्ता बनाकर फ्रेंड। गेहूं का आटा ये नॉर्मली आपके घर में रहते हैं तो मेहमान भी कहेंगे बहुत अच्छा लगा ये नाश्ता। तो देखिए मैं आलू को चारों तरफ फैला दी हूँ, अब बस दोनों हाथ के अंगूठे से और उंगुलियों से इसको हम लोग मोड़ेंगे, और मोड़ के ऐसे रोल के जैसे इसको मोड़ते जाएंगे और दबाकर इसको मोड़ेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये ढीला मत कीजिएगा, ढीला कीजिएगा तो फट जाएगा। ये जितना दबाकर रोल कीजिएगा, और उसके बाद हाथों से ऐसे करके इसको रोल रोल कीजिएगा, ये साइज से बड़ा भी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे करके हम भी लंबा कर ले रहे हैं। तो ये सेहत के लिए कोई हानिकारक इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो बच्चों के और बड़ों के लिए वो हानिकारक हो फ्रेंड, ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं है। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाए हैं फ्रेंड। तो देखिए इसका मुंह को हम लग कर लिए हैं, और चलिए ऐसे करके इसको हम लोग मोड़ लेंगे, और ये जो बचा है उसको पीछे के साइड में अंदर के तरफ हम इसको कर देंगे। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया फ्रेंड। अगर आप लोग माइक्रोविन है तो माइक्रोविन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, सेक सकते हैं, और नहीं तो तेल में फ्राई कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए ऐसे करके हम सभी को बना लेते हैं। तो दूसरा भी ऐसे ही करके फैला लेंगे फ्रेंड। तो मुझे चम्मच से फैलाने में थोड़ा असुविधा हो रहा था तो मैं हाथ से ही रखी, और देखिए ऐसे चम्मच से फैला लेंगे।
बहुत झटपट बन जाएगी फ्रेंड। और बच्चे रोज आनाकानी करते हैं, रोटी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। ये रोटी का रोटी आटा का आटा है फ्रेंड, और इसमें आलू भी है, बच्चे का फेवरेट है, तो बहुत ही हेल्दी डिश है फ्रेंड। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो इसको भी ऐसे ही करके हम मोड़ लेंगे फ्रेंड। ये बिल्कुल ही नहीं खुलेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, बनाना हो गया, और इसको कर लेते हैं फ्राई। तो तेल को फ्रेंड ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें जो बबल उठ जाएगा तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए तेल को एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिएगा, और रख कर ही उसमें दीजिएगा फ्रेंड। तो इसमें बबल जैसा नहीं बनेगा, और देखने में भी खूबसूरत होगा और खाने में भी खूबसूरत होगा ये डोनेट। तो फ्रेंड, गेहूँ के आटा से बनाना बहुत आसान है फ्रेंड, और बहुत टेस्टी फ्रेंड। ये आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मस्त बना हुआ है फ्रेंड। देखिए कलर भी बहुत अच्छा है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत, और खाने में भी उतना ही टेस्टीदार था फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मैं निकाल रही हूँ, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड। तो सोचिए अगर बच्चों को दीजिएगा तो उसको कितना पसंद आएगा फ्रेंड। देखिए बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता है फ्रेंड। ये बच्चों को टिफिन में आप दीजिएगा, लंच बॉक्स में दीजिएगा, तो बहुत ही प्यार से खाएंगे फ्रेंड। ये बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी है, गेहूं के आटा से बना हुआ है फ्रेंड, तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, और आप लोग भी बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है, देखिए ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए फ्रेंड कितना मस्त बना हुआ है। तो मेरा बेटी बोल रही है डोनेट है क्या, तो देखिए फ्रेंड बहुत ही मस्त है, और आप लोग ऐसे लंच बक्स में बच्चों को दे सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा है, गेहूं के आटा और आलू से बनाइए।